बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। इसका आज हमने करना है जी क्वेश्चन नंबर 7 and 6। डिस्क्राइब दैट स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स रूट परमिट द मूवमेंट ऑफ मटीरियल। नी रूट्स का, पौधे की जड़ का वो आपने स्ट्रक्चर बताना है जो कि मटीरियल की, जो मटेरियल यानी कौन कौन से आ जाएंगे, पानी और मिनरल्स, उनकी मूवमेंट को परमिट करता है यानी कि इजाज़त देता है, किस तरह रूट्स में से वो ट्रांसफ़र करती है ऊपर की तरफ। इसका आंसर है जी पेज नंबर 21 पे, अगर आप देखें ये स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट पार्ट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। नेचर हैज़ मेड द प्लांट पार्ट्स इन सच अ वे डैट देयर स्ट्रक्चर परमिट द मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स। अब नेचर ने पौधों के जो हिस्से हैं इस तरह बनाए हुए हैं कि जो मटेरियल की मूवमेंट होती है, यानी अगर खुराक बनी है तो ऊपर से नीचे, और अगर पानी को लेकर जाना तो नीचे से ऊपर। बड़े अच्छे मटेरियल उनके पास, यानी ऐसे पार्ट्स हैं जिससे वो मूवमेंट को इजी करते हैं। तो हमने करना है सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स, वो हम देखते हैं। फ्रॉम द मूवमेंट अ सीड ग्रो, जैसे ही उसने कहा एक बीज जो होता है वो बढ़ता है, ग्रो करता है, इट्स रूट स्टार्ट्स टू रीच वाटर एंड मिनरल्स इन द सॉइल। तो क्या होता है, जैसे जैसे हम उसे पानी देते हैं, जमीन में लगाते हैं, तो जो उसकी जड़ है वो निकलना शुरू हो जाती है। और जड़ का क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उसने पानी और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करना है। जैसे जैसे वो पानी लेगी वैसे वैसे वो जो सीड है वो भरता जाएगा। रूट्स हैव ब्रांचेस और दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब रूट उसने कहा एक नहीं होती कि सिर्फ एक जड़ है, ये मोटा सा तना है, इसकी बहुत सी ब्रांचेज होती हैं। अब ये ब्रांचेज क्यों होती हैं, ताकि जितनी ज़्यादा ब्रांचेज हों उतने ज़्यादा पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं। अगेन है जी पेज नंबर 22, ये द रूट हेयर ऑन द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। अब ये जो रूट्स मैंने आपको पीछे बताई हैं, ये मेन जो के इसके ऊपर हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, जिस तरह आप देखें गाजर के ऊपर होते हैं, मूली के ऊपर होते हैं, इस तरह के बहुत बारीक बाल होते हैं जो कि पानी और मिनरल्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। कहाँ से, मट्टी से। रूट्स हैव जाइलम टिश्यू टू मूव वाटर। अब इसके अलावा इनमें एक टिश्यू होता है जिसे जाइलम कहते हैं, जो पानी और जो मिनरल्स होते हैं उसको ऊपर की तरफ भेजता है, यानी अगेन नीचे से ऊपर की तरफ। ऊपर से नीचे आना तो बहुत ईजी है, लेकिन नीचे से ऊपर जाने के लिए एक अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया है जिसे टिश्यू कहते हैं, उसे जाइलम, वो पानी के अंदर मौजूद मिनरल्स और पानी को ऊपर की तरफ मूव करवाता है। फ्लोएम टिश्यू इन रूट्स हेल्प टू ट्रांसपोर्ट फूड। और जो फ्लोएम है वो क्या करते हैं, पौधे की खुराक में मूवमेंट, यानी रूट्स जाइलम जो है वो पानी को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, और जो फ्लोएम है वो ऊपर से खुराक को नीचे लेके आते हैं। इसके साथ हमने ये डायग्राम करनी है। अगर आप देखें ये रूट का बताया हुआ है कैसे मटेरियल को ऊपर भेजता है, ये फ्लोएम है और ये जाइलम और फ्लोएम इकट्ठे होते हैं। जाइलम नीचे से ऊपर जा रहा होता है, ये मूवमेंट होती है, और फ्लोएम की ये होती है। फ्लोएम की खैर मल्टी डायरेक्शन होती है, यहाँ पे भी जाइलम की भी नीचे, मतलब नीचे से मेनली ऊपर है, इसने ऊपर से नीचे आना है, बाकी क्योंकि पत्ते ऊपर होते हैं। उसके बाद मल्टी मतलब नीचे है, फिर तनों में भी जाएगा, फ्लोएम ने हर जगह मूव करना है, पानी भी इस तरह ऊपर हर जगह जाता है। आगे उन्होंने एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है जिस तरह आप ये देखें, ये मैं दिखाऊं, देखें किसी भी चीज़ को आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ये देखें आपने ये लंबाई के रुख इसे पकड़ा, ये लंबाई के रुख, ये चीज़ इसको आपने ऐसे काटा, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ऐसे, ये ऐसे नहीं, लंबाई के रुख पकड़ के इसको लंबाई के रुख काटा, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ये उन्होंने दिखाया हुआ है उसका। तो ये जो एक्सटेंशन है रूट हेयर है, और अंदर की तरफ एक ये जो लंबे लंबे आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं लंबे लंबे, उसको उसने मैग्नीफाई करके बताया, इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों मौजूद होते हैं। ये था जी हमारा उसका 6 क्वेश्चन का आंसर, जो कि था रूट का स्ट्रक्चर बताना था यहाँ से नेक्स्ट पेज पे यहाँ तक। इसके साथ हमने ये डायग्राम भी दोनों इसकी करनी है। साथ ही हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया, हमने तीनों क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया हमारा।